व्लॉग में अभी मैं हूँ बारडोली में और जा रहा हूँ सूरत हॉस्टल में। तो सबसे पहले हॉस्टल में खेलने के लिए वॉलीबॉल लेना है। बिल के बिना थोड़ी देंगे। ट्रॉफीज महंगा से महंगा वाला लेना है। हॉस्टल के लिए पैक हो रहा है मेरे लिए रही हो। ये तेरे काम की चीज देख। ये मेरे काम की चीज तो कुछ नहीं होगा। वो वॉलीबॉल तो ले लिया है, बैग में रख दिया है, लेकिन सबसे बड़ा टास्क ये है कि बस में बैठने का है। अभी मैं बारडोली बस स्टॉप पे हूँ और ये बैग लेके पहले कॉलेज जाऊँगा फिर हॉस्टल में जाऊँगा। पहली बार पूरी बस खाली निकली यार, वाह। सूरत की आराम से बैठूँगा मैं तो। एक मिनट, वाइट पैंट थी, गंदी हो गई होगी। अभी तो 10 बजे है और मेरा कॉलेज शायद 2 बजे या पता नहीं कब, लेकिन फ़ोन आया था दोस्त का इतने बजे स्टार्ट होने वाला है, तो मैं सीधा हॉस्टल जाऊंगा फिर वहां से कॉलेज निकलेंगे। तो आज के व्लॉग में आप देखोगे कि मेरी हॉस्टल लाइफ और कॉलेज लाइफ दोनों कैसी हैं। जितना मैं हो सके उतना आपको दिखाने की ट्राई करूँगा। मैं सूरत फाइनली पहुँच गया और यहाँ पे मैं ये हैंडल कर करके थक गया हूँ, सीधा हॉस्टल पे मिलते हैं। चलो बच गया हूँ क्योंकि पूरा घूम के जाना पड़ता है ना, तो मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं कूद गया। सो रहा हूँ, देखा जाएगा। और ये देखो, ये बैग संभालते संभालते मतलब हालत पतली हो गई। चलो अभी ये रही वॉलीबॉल की नेट। बॉल इसमें है, पहले वो ऑफिस में जाके मैं पैसे ले लूँगा बॉल के। बॉल हॉस्टल की तरफ से है, मेरी तरफ से नहीं है। हमारे हॉस्टल की लिफ्ट 6th फ्लोर, थोड़ी डरावनी है लेकिन अपुन डरता नहीं है। अभी मास्क निकाल लेता हूँ, गर्मी लग रही है। फैन फैन फैन, ये वाला फैन का। बाल भी कटवाने हैं यार, सब लोग बोलते हैं बाल कटवा ले, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता ना बाल कटवाने का। आ गया जले चाहे सारा जमाना। ये लोग पबजी खेल रहे हैं। एक और रूम है इधर जहाँ पे सब पढ़ाकू बच्चे रहते हैं। ए रुको, ये सब पढ़ाकू बच्चे रहते हैं यहाँ पे। तो अभी मैं कॉलेज से छूटा हूँ और वॉलीबॉल में हवा डलवानी है तो यहाँ पर हो जाएगा। बिल के लानू बनाइए अब अंदर, ऐसे अंदर चली जाती है तो फिर क्या करूँ मैं। मारे मारे वो कहाँ हो गया। इसका काम लगा ए, ये किसी के पास संभाल के रख दो, ले अभी लाऊंगा, इसमें रख दो। तो बॉल में हवा टंगाली है, अभी सीधे जाके खेलेंगे, ऊपर भी नहीं जाएंगे। चालीस का एक। अभी हम आए हैं वड़ा पाव खाने के लिए, 6 वड़ा पाव। हाँ जी, तो पहुंच चुके हैं वीएनएसयू में जहाँ हमारी हॉस्टल है। तो फटाफट से जाते हैं
कपड़े भी नहीं चेंज करने में, तो खेलने लग जाऊंगा पहले से। अजंता इलोरा, पछी ताजमहल, लाल की लोहा, इंडिया गेट, चलना अपने निकली गया कल से भाई कश्मीर, हालत आ रही है भाई, ओए सुसाइड पॉइंट, लव पॉइंट, ये रहा हॉस्टल। ये इधर आते हैं हर रोज एंट्री पानी पड़ती है, एंट्री पानी पड़ती है। एंट्री कर दियो, आई कार्ड दिखा दियो, लेकिन आई कार्ड तो है ही नहीं। ये रहा वॉलीबॉल का ग्राउंड, तो अभी ये फोकस चालू कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड है। रुको, ये फोकस गर्म होने के बाद स्टार्ट होगा, तो लगा तो लिया है, देखते हैं अभी। चलो चलो, कोई वॉलीबॉल खेलने वाला है, आ जाओ। सुन, पहले ये नेट थोड़ी टाइट करनी पड़ेगी। चल चल चलेगा अभी तो, बाद में चल रहा वेब पे जाना थी जाओ, फिर बाद में आऊंगा मैं। अभी थोड़ा खाने का ब्रेक लेते हैं, ये सट्टेबाज खाते खाते भी, और ये दोनों, इसने मुझे कॉल किया था कि खाने जाओ तो बुलाना, लेकिन तो गेम खत्म हो गई। सब लोग हॉस्टल से चले गए, मैं ही रह गया। तो पता नहीं ये ड्रायर की आदत मुझे लग गई है, ये बाल लंबे हैं ना, मुझे बाल कटाने का भी टाइम नहीं है मेरे पास, तो अभी थोड़ा सेट कर देता हूँ मैं, और फिर मैं भी निकलता हूँ। अभी तो वीडियो भी अपलोड करनी है मुझे, या ये बाल अभी कुछ ज़्यादा ही लंबे और बेकार हो गए हैं, तो मैंने मतलब एक लेक्चर मिस करके मुझे व्लॉग अपलोड करना है, इसलिए मैं भी नहीं गया, ये सब लोग चले गए यहाँ के। तो ये बाल तो अभी सेट होने से रहे, नहीं करने यार, जाने दे, ये कौन देखेगा वैसे भी मुझे। तो यहाँ पे बॉम्ब बनाए जाते हैं हॉस्टल में, वो बॉम्ब बनने वाला थोड़ा बाहर गया है, मैं दिखाऊंगा उसको। चल था भैया, इसमें पंचर। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद। When you close your eyes, tell me what are you dreaming?